आया समझ में? ये कहीं पे लेफ्ट हो गया था, ये मेरा शायद 20 से, ये देखो ये 20 से 10 पे आया, तो ये क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग रिटर्न। ये आया समझ में? रिस्पॉन्ड यस करो, मैम, ठीक है? अच्छा, अभी यस आप मैम, देखो, एक बात बताऊं, यस मैम, अब देखो, लेबर भी बढ़ रहा है, प्लस क्या बढ़ रहा है? कैपिटल, दोनों बढ़ रहे हैं ना, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। और मतलब देखो, ये क्या थे? ये दोनों इनपुट थे, ठीक? और जो प्रोडक्शन आया वो क्या था? आउटपुट। इसके पहले हमने क्लास क्लास में जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन किया था, उसमें लेबर क्या था? अपना फिक्स था। लेकिन अभी अपना लेबर क्या है? वेरिएबल। कैपिटल भी अपना क्या है? सॉरी, उसमें लेबर भी वेरिएबल था, उस वाले में ये लेबर वेरिएबल था, शॉर्ट रन वाले में। इसमें भी वेरिएबल है। शॉर्ट रन में कैपिटल वो था, क्या था? फिक्स्ड था। लेकिन इसमें अपना कैपिटल भी क्या है? वेरिएबल। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होगा? जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, सपोज जैसे लेबर है, कैपिटल है, दोनों जो फैक्टर्स हैं, मतलब जो दोनों इनपुट्स हैं, वो क्या है? वेरिएबल है। शॉर्ट रन में क्या था? एक फिक्स था और एक वेरिएबल था। ये आया समझ में डिफरेंस? बताओ, यहां तक क्लियर है डिफरेंस? बताओ, यस मैम, ठीक है? अब डायग्राम देखो, एक इंक्रीजिंग रिटर्न और डिक्रीजिंग रिटर्न का एक डायग्राम देखेंगे अपन। ये रफ करूं? यस मैम, अब देखो, इसमें फर्स्ट इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहां पे अगर मैं यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल लेती हूँ, है ना, यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल लेती हूँ, और यहां पे मैं लेती हूँ आउटपुट, है ना, यहां पे मैं लेती हूँ आउटपुट। तो सपोज पहले था ये पी पॉइंट पे था, ठीक, ये रहेगा क्यू आउटपुट क्वांटिटी। तो अगर मैं जितने से ही बढ़ाऊंगी, ठीक, तो ये उससे ज्यादा बढ़ेगा, याद रखना। ये देखो, ये वाला गैप ज्यादा, देखो प्रोडक्शन का, पी मतलब है प्रोडक्शन। लास्ट डायग्राम को याद करो, अगर मैं लेबर एंड कैपिटल को 100% से बढ़ा रही थी, तो मेरा प्रोडक्शन कितने से बढ़ रहा था? 200% से। तो लेबर एंड कैपिटल, ये रहा लेबर एंड कैपिटल, अगर मैं इसको इतना बढ़ाऊंगी, तो ये वाला जो है, ये पोर्शन मेरा और डबल होगा इसका, ये 200% प्रोडक्शन। आया समझ में क्या बोल रही हूँ मैं? तो आप लोग जब डायग्राम बनाएंगे, तो ऐसे ध्यान से बनाना, ये अगर आप इतना ले रहे हैं, तो ये वाला थोड़ा ज्यादा लेना, यहाँ तक ऐसे, ठीक, और सॉरी यहाँ तक लेना ये, और फिर इसको यहाँ से ऐसे कम शो करना। आया समझ में मैं क्या बता रही हूँ? यस मैम, अब देखो, ये ग्राफ आपका ऐसे जाएगा, ये यहाँ से घूमते हुए ये ऐसे जाएगा।
ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया आप लोगों का, ये प्रोडक्शन पहले पी था तो ये पी वन हो गया, सेम ये क्वांटिटी क्यू थी तो ये क्यू वन हो गई, ये है लेबर एंड कैपिटल का और ये है आप लोगों का आउटपुट। ये था इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल था। सेकंड है आपका देखो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इसमें ना पुट मत करना, जो लास्ट टेबल बताई थी ना इसको टेबल में मत पुट करना, इसको ऐसे ही एजम्पशन बेस पे बनाना, इसको क्यू, इसको क्यू वन देखे खत्म और इसको ओ कर देना। अब देखो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में सेम ये एक्स एक्सिस आया, ठीक ये वाई एक्सिस आया आप लोगों का, कांस्टेंट में देखो 33 था तो 33 था, 25 था तो 25 था, तो देखो सपोज ये हो गया क्यू, ये हो गया पी, ठीक। तो अगर इसको मैं इतने से बढ़ा रही हूँ, क्यू से क्यू वन करती हूँ ये, तो मेरा प्रोडक्शन भी उतने से ही बढ़ रहा था, है ना। तो ये हो गया अपना कांस्टेंट रिटर्न।